अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान ब्लॉग। आज की जो मेरी वीडियो है वो है कि जलालुद्दीन हकानी कौन थे और सऊदी अरब की शहज़ादी शाही ख़ानदान की लड़की उस पर आशिक क्यों हो गई थी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले और बआसानी मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं मज़ेदार वीडियो। एक अफगानी आए थे जिसने रशिया के ख़िलाफ़ जिहाद शुरू किया था, उसका नाम था जलालुद्दीन हकानी। बब्बर शेर जैसी उसकी दाढ़ी, बहुत ही खूबसूरत नौजवान और बहुत ही बहादुर और दिलेर। उस दौर में ना उसकी वीडियोज़ बनी थी और वो वीडियोज़ गई थी सऊदी अरब में। वहाँ पे वो शहज़ादा था, बादशाह था, वो अपनी वो जो है ना वो वीडियो देख रहा था तो उसके पास उसकी जो है ना बेटी बैठी हुई थी। तो वो जो है ना अब्बू से पूछने की कि अब्बू ये कौन सी फ़िल्म की शूटिंग हो रही है या कौन सी फ़िल्म है या कौन सी फ़िल्म का सीन है। तो उसने अपनी बेटी को बताया कि अब्बू ये जलालुद्दीन हकानी हैं, ये अफगानी हैं और पठान हैं और ये रशिया के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं। ये कोई फ़िल्म का सीन नहीं है, कोई फ़िल्म की शूटिंग नहीं हो रही या कोई फ़िल्म नहीं है, ये रियल में है। तो जब उस लड़की ने वो वीडियोस देखी ना तो वो बहुत हैरान हो गई। तो उसने अपने अब्बू को बोला कि अब्बू अगर मैं शादी करूँगी तो इसी शख्स से करूँगी। तो उसके अबू ने मना किया कि नहीं, शादी नहीं हो सकती, वो पठान, हम सऊदी अरब के शहज़ादे, वो कहाँ का। लेकिन उसने ज़िद बांध ली थी, उसने बोला है कि नहीं अगर शादी करूँगी तो इसी से वरना मैं शादी कभी नहीं करूँगी। हालांकि बाद में जैसे भी रबते हुए जो भी हुआ, खैर उसकी उससे शादी हो गई और उससे बच्चे भी हुए और जलालुद्दीन हकानी का एक जो बेटा था उसी शहज़ादी से वो सऊदी अरब पे हुकूमत भी कर चुका है। तो ये थे जलालुद्दीन हकानी जिसने रशिया को नाक के चने चबवाए, रशिया को बहुत ज़्यादा नुकसान और घुटने टेकने पर मजबूर किया। वो बहुत ही बहादुर और बब्बर शेर जैसे थे। अगर एक तरफ माइकल जैक्सन को खड़ा कर दिया जाए और दूसरी तरफ जलालुद्दीन हकानी को, अगर किसी औरत की फितरत अच्छी होगी ना तो उसको जलालुद्दीन हकानी जैसा बहादुर शख्स पसंद आएगा, हालांकि ना माइकल जैक्सन। अगर किसी औरत की फितरत अच्छी नहीं होगी तो उसको अपने जैसी सहेली की ज़रूरत होगी, ठीक है ना, तो वो फिर माइकल जैक्सन जैसा मर्द पसंद करेगी। तो इजाज़त चाहता हूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो इजाज़त चाहता हूं, मेरी सपोर्ट जारी रखिएगा और मेरी, क्योंकि आपकी सपोर्ट से मेरी कामयाबी है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।